सुल्तानपुर में आज सरकारी गौशालाओं पर गौ पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव के निर्देश पर आयोजित इस गौ पूजन कार्यक्रम में सुल्तानपुर में भाजपा विधायक डीएम सीडीओ समेत तमाम अधिकारी शामिल हुए और पूजन किया। बताते चले कि नगर के अमहट गोराबरी गांव में जिला पंचायत द्वारा संचालित सरकारी गौशाला है। इस गौशाला की निगरानी सुल्तानपुर के भाजपा विधायक सूर्यभान सिंह के जिम्मे है। इसी कड़ी में आज सीएम योगी और प्रमुख सचिव के निर्देश पर यहां गौ पूजन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक सूर्यभान सिंह ने गौवंश को तिलक लगाकर पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को गौशालाओं की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि जो भी छुट्टा जानवर घूम रहे हैं उन्हें गौशालाओं में लाकर उनके चारे पानी की व्यवस्था दुरुस्त करवाना है ताकि इन जानवरों से किसानों का नुकसान न हो। फिलहाल इस गौशाला की स्थिति देखकर सभी संतुष्ट दिखे। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति यहां से जानवर ले जाना चाहे तो ले जा सकता है। इसके एवज में उसे सरकार की तरफ से 900 रुपए भी दिए जाएंगे। वाहिंड जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ने कहा कि इस विभाग द्वारा 8 गौशालाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें 7 गौशालाओं की देखरेख उनके द्वारा की जा रही है जबकि 1 गौशाला को दूसरे के जिम्मे सौंपी गई है। इसके अलावा ठंड से गौवंशों के बचाव के लिए पूर्ति विभाग द्वारा बोरे भी मंगवा लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ इनके चारे और पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था है। जिले में पूरे प्रदेश में हर घर हर जगह जगह पर गौशालाओं की देखभाल गौशालाएं जो चल रही हैं सभी विधायकों की ड्यूटी भारतीय जनता पार्टी की लगी हुई है। हर गौशालाओं को जाकर निरीक्षण करना देखना उनकी समुचित व्यवस्था करना ताकि जो जानवर आपके देहातों में कहीं घूम रहे हैं उनको सब ला करके गौशालाओं में रखवाना इस सब का कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए आज हम लोग जिला परिषद का जो गौशाला जिला पंचायत का खुला है वहाँ बैठ करके इनके गौओं की मैंने देखभाल किया। बहुत अच्छी यहाँ व्यवस्था है और इतनी अच्छी व्यवस्था इतनी अच्छी गायें देखने को कम मिलती हैं लेकिन जहाँ पर जिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लगे हैं गौशालाओं की सेवा में वो बहुत अच्छी गौशालाएँ चल रही हैं। जनपद में जगह जगह खोल दी गई हैं। अब गौओं की प्रॉब्लम बहुत कम आएगी और इसमें से जो अच्छे गाय होंगी जो लोग लेना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं। उनको 900 रुपया भी मिलेगा और गौओं की सेवा करें और दूध भी खाएं और उसके साथ खेल भी खेलें। आज मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव महोदय के आदेश के क्रम में गौपाष्टमी का पूजन का अवसर पर गौशालाओं में सभी गौशालाओं के लिए गौ माता का पूजन करना और उनको देखभाल और उसके रहन सहन और उसके भरण पोषण का पूरा निरीक्षण करना ध्यान रखना इसका उद्देश्य शासन का ये था और जिसमें सभी जनप्रतिनिधि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को बुला करके उनके द्वारा भी निरीक्षण कराया जाना ये शासन का उद्देश्य था। इसका लगभग कितने गौशाले हैं जो खोले जा रहे हैं? गौशालाएं हमारे तरफ जिला पंचायत की तरफ से तो कुल 8 गौशालाएं हैं। 7 जो है जिला पंचायत द्वारा संचालित हो रही हैं और 1 हमने दिया है किसी को किराए पर। क्या इसकी देखभाल करने के लिए कोई आगे? हम लोग बेहतर से बेहतर जो व्यवस्था हो सकती है सभी गौशालाओं में कर रहे हैं। ठंडक में इसके लिए बोरे हम लोगों ने DSO साहब के यहाँ से मंगवा रहे हैं और आ रहा है बोरा तो 300-500 बोरे उसके लिए पहनने के लिए हमने उस व्यवस्था करा रही है और ढकने के लिए सारी व्यवस्था कराई है। ठंडक में हम लोगों ने अरे गर्मियों में हम लोगों ने कूलर आदि की व्यवस्था भी कराई थी। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ है और पानी की व्यापक व्यवस्था है किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है।